दोस्तों ऐसे कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हमारी नसें कमजोर हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जैसे विटामिन B12 की कमी के कारण, मिथाइल कोबालामिन की कमी के कारण। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे डाइट की खराबी, लाइफस्टाइल की खराबी, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दवाइयां। ये सभी न्यूरोपैथिक पेन यानी कि नसों के दर्द का कारण होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोपैथिक पेन यानी कि नसों के दर्द को ठीक करने वाली सबसे अच्छी मेडिसिन के बारे में, जो कि आपके न्यूरॉन्स को मजबूत करती है, न्यूरॉन्स की वीकनेस को मजबूत करती है और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याओं को ठीक करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूरोपैथिक पेन होता क्या है। दोस्तों न्यूरोपैथिक पेन एक प्रकार का तंत्रिका तंत्र का दर्द है, नर्व पेन है। जैसे जो आपकी न्यूरॉन्स है वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसके कारण से उस जगह पर आपको बहुत तेज दर्द होता है और जो दर्द होता है वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है और उसके बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे जब न्यूरोपैथिक पेन होता है तो ऊपर से दबाने पर और ज्यादा दर्द होने लगता है, और जब मसल्स पेन होता है तब हम उसकी मसाज करते हैं तो वो कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, लेकिन जो न्यूरोपैथिक पेन होता है उसको जब हम मसाज करते हैं तो वो और भी तेज दर्द होने लगता है। खास करके जब सर्वाइकल का पेन हो, कमर दर्द हो, हड्डी बढ़ गई हो उसका दर्द हो, साइटिका का दर्द हो, ये सभी न्यूरोपैथिक पेन है। दोस्तों इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे हड्डी का बढ़ जाना जिसके कारण बहुत तेज दर्द होना, डायबिटीज होना या फिर दूसरी अन्य मेडिसिन के कारण, या फिर गहरी चोट लगने के कारण न्यूरोपैथिक पेन होना। ज्यादातर देखा गया है कि जब हमारी नसें डैमेज हो जाती है तो हमारे हाथ पैर में सुन्नपन रहना, झुनझुनाहट होने लगती है, और जब इस प्रकार की समस्या होने लगती है तो न्यूरॉन्स को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो सके, आपकी लाइफ अच्छी हो सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्रकार की समस्या को ठीक करने वाली मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्री गाबा एम टेबलेट के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कंपोजिशन सेम होना चाहिए। इस टेबलेट के कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें प्री गाबालिन 75 mg और मिथाइल कोबालामिन 750 mg की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, और यह आपके न्यूरोपैथिक पेन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत अच्छी टेबलेट है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट की क्या प्राइस होती है। इस टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो एक टेबलेट की एवरेज प्राइस 24 रुपये के लगभग होती है, और यह जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग हो सकती है। जो आपको सस्ती मिले आप उसे खरीद सकते हैं, क्योंकि सभी का एक जैसा असर होता है। दोस्तों ये सिर्फ एक ऐसी मेडिसिन है जो न्यूरोपैथिक पेन के लिए बनाई जाती है, नसों के दर्द के लिए बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का क्या यूज रहता है और इस टेबलेट से क्या बेनिफिट मिलता है। दोस्तों इस कैप्सूल का यूज न्यूरोपैथिक को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो डायबिटिक न्यूरोपैथिक का दर्द हो, या किडनी प्रॉब्लम हो, या किसी अन्य प्रकार का दर्द हो। न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है, न्यूरॉन्स की माइलिन शीट को बनाता है, पेन के सेंसेशन को कम करता है, नर्व कंडक्शन को इम्प्रूव करता है, थकान को दूर करता है, इंसोमनिया की प्रॉब्लम को ठीक करता है, यानी कि जिसको नींद की समस्या रहती है उसको ठीक करता है। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल का क्या डोज रहता है, इसे कितने दिन तक दिया जाता है। इस कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज दिया जाता है। इस कैप्सूल के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को एक कैप्सूल रोज रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस कैप्सूल को आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही यूज करें, आप अपनी मर्जी से इस कैप्सूल का यूज बिल्कुल ना करें। यदि आप अपनी मर्जी से यूज करते हैं, आप ओवरडोज ले लेते हैं, तो आपको इस कैप्सूल का साइड इफेक्ट हो सकता है। इस कैप्सूल के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को 1 महीने से लगाकर 3 महीने तक दिया जा सकता है, और हो सकता है किसी किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको लंबे समय तक भी दिया जा सकता है। इससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल का ओवरडोज लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस कैप्सूल के ओवरडोज के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, स्लीपनेस, कॉन्स्टिपेशन, एडेमा, गैस्ट्रिक इरिटेशन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें, आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।